उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां बीजेपी लगातार अपनी तैयारियों को तेज कर रही है समाजवादी पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कर रही है अखिलेश यादव एक बार फिर से विपक्ष को लामबत् करने की कोशिश में नजर आ रहे हैं लेकिन इन सबके बीच में कांग्रेस पार्टी भी अब लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी नई रणनीति और नई शक्ल के साथ मैदान में आती नजर आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी वो अपना पद छोड़ सकती हैं इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म हो चुका है दरअसल माना जा रहा है कि कर्नाटक की जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नए सिरे से अपनी कार्यकारिणी को बनाते हुए अपनी जमीन को तैयार करने की कवायद में है इसके लिए चर्चा इस बात पर है कि प्रियंका गांधी वाद्रा अपना पद छोड़ सकती हैं और इस पद पर कोई और काबिज होकर के उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस के अभियान को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर सकता है इसको लेकर के हरीश रावत और तारिक अनवर दोनों के नामों की चर्चा तेज हो गई है माना जा रहा है कि इस बात पर फैसला राहुल गांधी के विदेश से वापस आने के बाद लिया जा सकता है लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो प्रियंका गांधी वाद्रा की लोकसभा चुनाव के दौरान लोकसभा का चुनाव लड़ने की कवायद भी तेज होती नजर आ रही है माना जा रहा है कि इस बार प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और जिसके लिए वो रायबरेली सीट का चुनाव भी कर सकती हैं हालांकि सीट को लेकर के अभी संशय बरकरार रहेगा क्योंकि फिलहाल के तौर पर रायबरेली से सांसद उनकी मां कांग्रेस से

तौर पर देखा जाए तो इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के अध्यक्षों को नियुक्त करके भी कांग्रेस पार्टी ने यह काम किया था लेकिन इस बार बात लोकसभा चुनाव की है क्योंकि एक तरफ बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन लगातार अपनी योजनाओं अपने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोकसभा चुनाव के माहौल को बनाने में लग चुका है तो वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जहां विपक्ष को एक करने की कवायद में नजर आ रहे हैं लगातार विपक्ष के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो रही है लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करती नजर आती है जिसके बीच में प्रियंका गांधी के के नए रोल को लेकर चर्चाएं जोरों पर है हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है सत्ता के गलियारों में केवल चर्चा ही है लेकिन ये जरूर है कि पार्टी को नए तौर पर खड़ा करने और खास तौर पर कर्नाटक के विधानसभा की जीत के जोश के साथ में पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के लिए एक नई कार कार्यकारिणी और नई टीम के साथ उतरने की तैयारी में है जिसको लेकर के चर्चाएं जोरों पर है लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल अभी इस मामले में कुछ नहीं कह रही लेकिन प्रियंका गांधी वाद्रा उनकी सक्रियता और खास तौर पर प्रभार के तौर पर लगातार आप जिस तरीके के पिछले चुनाव में उनकी सक्रियता रही लेकिन इस बार चर्चा जरूर पर है कि लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाद्रा उतरती नजर आ सकती है और इसके साथ ही साथ कांग्रेस के संगठन में जान फूकने की कवायद में एक नए तौर पर कार्यकारिणी और नए प्रभारी के साथ चर्चाएं जोरों पर सत्ता और प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तेज होती नजर आ रही है लखनऊ से चुनाव के लिए अभिषेक मिश्रा